ये जो वनस्पति आप देख रहे हैं, ये आपने अपने आसपास के जो बगीचे हैं, गमले हैं, उसमें ज़रूर देखी होगी। और इसको लगाने का कारण यही है कि इसके फूल साल के बारह मास आपको देखे जा सकते हैं और देखने में अच्छे लगते हैं, इसलिए इसको गार्डन में आजकल बहुत तादाद मात्रा में इसको लगाया जाता है। परंतु क्या आप जानते हैं, ये एक मेडिसिनल प्लांट है। इसकी फूल पत्तियों में कुछ ऐसे तत्व पाए जाते हैं जिसके कारण आप कई तरह की बीमारियों को घर पर ही ठीक कर सकते हैं, जैसे कि डायबिटीज़, स्किन प्रॉब्लम या ब्लड सर्कुलेशन इत्यादि बीमारियां आप घर पर ही ठीक कर सकते हैं। तो इस पौधे का मेडिसिनल यूज क्या है, इसके प्रयोग विधि क्या है, इसमें कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, ये सारी जानकारी इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहें। ये वनस्पति अमेरिका की मूल निवासी है, परंतु भारतवर्ष में आजकल ये खूब तादाद में लगाई जाती है। बगीचों में और गमलों में इसको लगाया जाता है खूबसूरती के लिए। परंतु इसको क्षेत्रीय भाषाओं में भी अलग अलग नामों से जानते हैं, जैसे कि इस पर बारह मास फूल लगे होते हैं, इसलिए इसको बारहमासी के नाम से जानते हैं। कुछ लोग इसको सदाबहार, सदाफूल, पंजाबी में रतन जोत, अंग्रेजी में रेड पेरी विंकल, और इसका वॉल्टिकल नाम लॉन्च नेरा रोज, वेनिका रोज इत्यादि नामों से जाना जाता है। तो इसकी जड़ें पौष्टिक और अग्निवर्धक होती है, ये भूख को बढ़ाती हैं और शरीर के लिए ताकत देती है इसकी कोमल कोमल रूट या जड़ें। और इसको आजकल उड़ीसा में इसकी पत्तियां और इसके फूलों का रस ततैया या वर्रैया जहाँ भी काट लेती हैं उसके विष को नष्ट करने के लिए, ये वहाँ दंश पर इसका लेप किया जाता है। ये ततैया और वर के या और जो कीट पतंगे हैं, जो विषैले हैं, उसको दंश को नष्ट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। दक्षिण अफ्रीका में इसकी फूल और पत्तियों का जो रस है उसको डायबिटीज़ या मधुमेह की जैसी बीमारी को दूर करने के लिए उपयोग में लाते हैं। इसकी चाय या इसकी पत्तियों का पाउडर बनाकर आप यूज में ला सकते हैं। 1 से 2 ग्राम की मात्रा में आप खाली पेट सुबह शाम इसका सेवन करते हैं, कुछ दिनों में ही आपकी डायबिटीज़ नॉर्मल हो जाती है, क्योंकि इसकी पत्तियों में एल्कोलाइड जैसा तत्व पाया जाता है जिसके कारण ये शुगर को नियंत्रित करने में मदद करता है। मासिक धर्म के दौरान अधिक ब्लीडिंग होने पर आप इसकी पत्तियों को तोड़कर इसका काढ़ा बनाकर या इसका शरबत बनाकर आप नियमित रूप से कुछ दिन सेवन करवाते हैं तो आपका अधिक रक्त स्राव भी बंद हो जाता है। वहीं आपको कहीं भी खुजली हो, स्किन प्रॉब्लम हो, तो आप इसकी पत्तियों को तोड़ लें, साथ में आप 4 पत्तियां तुलसी की तोड़ लें, और जहां भी खुजली है उनको पत्तियों को मसल कर आप रस निकाल लें और खुजली वाले स्थान पर आप लगाएं, तो आपके खुजली या स्किन प्रॉब्लम में तुरंत आराम देखने को मिलता है। इस सदाबहार की पत्तियों में एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लामेशन और विटामिन सी भी पाया जाता है, जिसके कारण ये इम्यूनिटी पावर को भी बूस्ट करती है। तो इम्यूनिटी पावर को अच्छा करने के लिए भी आप इसकी 2 पत्तियों को सुबह सुबह खाली पेट खाते हैं तो आपकी इम्यूनिटी पावर भी अच्छी हो जाती है। तो इस सदाबहार या सदाफूल को आप जान गए होंगे और इसको आप आज के बाद उखाड़ कर नहीं फेंकेंगे, इसको खूबसूरती के साथ साथ आप इसको घर पर भी लगाएंगे। और इसके 8 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसमें से आप एक देख रहे हैं सफ़ेद और दूसरी पिंक रंग की। ये 2 प्रजातियां हमारे भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा देखने को मिलती हैं और ये सदाबहार भारतवर्ष में हर जगह आजकल पाया जाता है, इसको ज़्यादा दुर्लभ नहीं होता है। इसकी पत्तियां हरी होती हैं और इसकी पत्तियों का जो स्वाद है वो कड़वा होता है। इसकी पत्तियों का रस आप 5 ml से लेकर 10 ml की मात्रा में, इसकी पत्तियों व फूल का चूर्ण आप 2 ग्राम की मात्रा से लेकर 3 ग्राम की मात्रा में आप यूज में ला सकते हैं। अगर किसी विशेष बीमारी में आप इस सदाबहार का यूज करना चाहते हैं तो आप आसपास के जो वैद्य हैं या जड़ी बूटी जानकार हैं उसकी निगरानी में आप इसका सेवन कर सकते हैं। वैसे तो इसका अभी तक कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, मगर इसका स्वाद कड़वा हो जाने के कारण ये कोई लोग जो इसका यूज करते हैं तो उनको उल्टी या वोमिटिंग हो जाती है। तो इससे आप घबराएं नहीं, क्योंकि ये नॉर्मल सी प्रक्रिया है। तो आप जान गए होंगे कि इस सदाबहार का उपयोग आप कौन कौन सी बीमारी में कर सकते हैं। आप अपने क्षेत्र में इस सदाबहार का उपयोग कौन सी बीमारी में करते हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो हम कल फिर मिलेंगे एक नई औषधीय जानकारी के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद।